Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, cadets. I hope you and your family will be absolutely fine. Ladies and gentlemen, in this video, we are going to discuss about PMA 10 years past papers. So, in this video, we will discuss about almost 500 MCQs, okay? For your PMA long course 153 and 154 and so on. So, let's get started. तो ये वीडियो जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको ये एमसीक्यूज पाकिस्तान में और कहीं इस तरह 500 एमसीक्यूज कोई बना के आपको नहीं देगा, कभी भी नहीं, नेवर एवर, ओके। तो आप लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपके टेस्ट में बहुत ज़्यादा ये एमसीक्यूज रिपीट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु वाज द आर्मी चीफ इन 1965 वार जो हमारा इंडिया के साथ हुआ था और हमने जीते थे, उसका आर्मी चीफ था जनरल मूसा खान। यू मस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। आपसे एफएससी लेवल के बच्चे तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसी चीजें हैं, आप आर्मी में अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये अगर पता नहीं है तो आपको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर कौन था? कायदी आजम वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये आप सब लोगों को आता होगा, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। वाई वी सेंड अवर चिल्ड्रन टू स्कूल, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि हम अपने चिल्ड्रंस को स्कूल में क्यों भेजते हैं? फॉर देयर ग्रूमिंग। यू मस्ट हैव टू नो दिस थिंग। उसके बाद, हु इज द स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली, ये आप कमेंट में मुझे पुट करेंगे, ओके? कमेंट में आंसर करें ताकि मैं भी देख लूं कि आप मेरे स्टूडेंट्स कितने पानी में हैं। अभी रिसेंट पंजाब असेंबली का स्पीकर कौन है? पहले कौन था? परवेज इलाही कोई था, फिर भी आप देख लें। Why we boil milks? We boil milks to kill germ। आपको वहां ऑप्शंस होंगे, लेकिन राइट ऑप्शन यही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कशफुल मजूब बुक किसने लिखा है? दाता गंज बख्श ने जो है कशफुल मजूब बुक लिखा है, ठीक है। अल आबिदा बुक किसने लिखा है? अल आबिदा बुक इब्न खातिर ने लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं आपके पीएमए टेस्ट में कि ये बुक किसने लिखा है, वो बुक किसने लिखा है, ये बुल्ले शाह वगैरह, ये आता है कि पंजाबी का फेमस पोइट कौन है वो। उसके बाद, गज़वे खैबर कब लड़ी गई? गज़वे खैबर 7 हिजरी को लड़ी गई, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इस्लामिक इन डेट्स के बारे में पता नहीं है तो आप जो है आर्मी में अफसर बनने के काबिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एक जो है इस्लामिक डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान में अफसर बनने जा रहे हैं। बल्ब किसने इन्वेंट किया? थॉमस एडिसन, ठीक है। एफएससी लेवल के बच्चे को जरूर पता होना चाहिए। एक्सरे किसने ईजाद किया? विलियम रेक्टेंगल। आप फिर भी इसे कंफर्म करें, ये मेरे ख्याल में कोई और था, फिर भी इसे कंफर्म कर ले, ओके। उसके बाद, नेवी का हेडक्वार्टर कहां पे है? आपको सारे हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए। आर्मी का हमारा जीएचक्यू में है। उसके बाद नेवी का हमारा कहां पे है? एयरफोर्स का हमारा कहां पे है? नेवी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, ये आपको पता होना चाहिए। नेवी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। उसके बाद, 1999 में निशान हैदर किसको मिला था? ये दो बंदों को मिला था, कैप्टन कर्नल शेर खान को और दूसरा जो है हवलदार ललक जान को निशान हैदर मिला था। ये जरूरी आपको पता होना चाहिए। जो 11 निशान हैदर विनर्स हैं, कितने निशान हैदर विजर? 11। एक निशान कश्मीर है, हिलाल कश्मीर, उसको भी निशान है, विच इज इक्विवेलेंट टू निशान हैदर, ओके। उसके बाद, खाना केबा सबसे पहले किसने तामीर की? खाने काबा को सबको पता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। उसके बाद किसने वो की? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे ने। उसका भी आप वगैरह याद रखें, ये इंपॉर्टेंट इस्लामिक हिस्ट्री, आप मुसलमान हैं
इस्लामिक कंट्री में अफसर बनने जा रहे हैं, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। कुरान पाक में रुकू कितने हैं? कुरान पाक में कितने रुकू है? कुरान पाक में 528 रुकू है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्रिप्स मिशन कब हुआ, कुरान पाक में कितने सूरे हैं, ये सारी चीजें, कितने रकू है, कितने सजदे हैं, ये चीजें आपको पता होने चाहिए। आपका होली बुक है, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कहां अफसर बनने जा रहे हैं, और वो भी मुसलमानों को लीड करने के लिए, ये नहीं होगा। क्रिप्स मिशन 1922 में हुआ था, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट हमारे पोस्ट पार्टीशन और प्री पार्टीशन के वो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मुकम्मल नोट्स आप इस व्हाट्सएप पे हमसे अवेल कर सकते हैं, नो इशू देयर। मदनी सूरतें कितनी हैं, 28 है, सबको पता है। और मक्की सूरतें कितनी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आते हैं। कौन से मुल्क को सनराइज कहा जाता है, ठीक है, ये जापान को कहा जाता है। और लैंड ऑफ एलिफेंट्स किसको कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। लैंड ऑफ प्योर पीपल किसको कहा जाता है, पाकिस्तानियों को कहा जाता है, पाकिस्तान को कहा जाता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लैंड ऑफ एलिफेंट, लैंड ऑफ प्योर पीपल, लैंड ऑफ ये वो, ठीक है। पाक का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, फैसलाबाद को कहा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद को कहा जाता है। उसके बाद जंगे बदर कब हुई, ये आपको पता होनी चाहिए। जंगे बदर 2 हिजरी को हुई थी। जंगे उहुद किस हिजरी को हुई थी, जंगे जो ये खंदक किस हिजरी को हुई थी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जंग खैबर किस उसमें हुई थी, ये गज़वे बदर है, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें हिस्सा लिया था। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि वो गज़वे जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट नहीं किया उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। जंग उहुद का कमांडर कौन था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग उहुद का कमांडर था, ये कमांडर आपको पता होने चाहिए। इन शॉर्ट एज गॉट निशान हैदर, ये आपके टेस्ट क्वेश्चन है जो आप कमेंट में लिखेंगे। सबसे यंगेस्ट एज में किसने शहादत दी, दो ऑप्शन आपको दे देता हूँ, कैप्टन कर्नल शेर खान या जो है हमारा एयरफोर्स का हुआ था शहीद राशिद मिन्हाज, इन दोनों में। नो पावर ऑन अर्थ कैन अंडू पाकिस्तान, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ विच कैन अंडू पाकिस्तान, ये किसने कहा था, ये आप कमेंट में अभी लिख दें। टाइटल ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुरान में क्या था, रहमतुल्लिल आलमीन, वामा अरसलनाका इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन, ये आपको पता होने चाहिए। पाकिस्तान इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को 1969 में जो है मोराको में जमा किया था, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और OIC कब बना था, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद थिम्पू कैपिटल ऑफ विच कंट्री, थिम्पू किस चीज़ का कैपिटल है, कैपिटल वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। भूटान का कैपिटल आपका जो है, फेमस कंट्रीज है वो पूछे जाते हैं, भूटान का कैपिटल थिम्पू है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द टाइटल ऑफ हजरत उमर, अमीरुल मोमिनीन कहा जाता था हजरत उमर को, ये उसकी लकब थी। Who was the first test match captain? अब्दुल हफीज किरदार को जिसका नाम था, ये हमारा फर्स्ट कैप्टन था। Who made most test run in Pakistan? यूनुस खान, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, आपको पता होने चाहिए ये चीजें, इसलिए पूछे जाते हैं। हरप्पा कौन से सिटी में है, हरप्पा जो है साहिबवाल में है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यान इज अ करेंसी ऑफ चाइना, और चाइना का कैपिटल कौन है, क्या है, वो भी ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि आपका सबसे क्लोज मुल्क चाइना है, अगर उसके बारे में आपको पता नहीं, इट मींस आप खब्बे गफलत में सोए हुए इंसान है, यू कैन नॉट बी एन ऑफिसर। पीस बी अपॉन हिम हैड हाउ मेनी डॉटर्स, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने डॉटर्स थे, 4 डॉटर्स थे, ठीक है, और इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। और ज़ुरनैन किस सहाबी को कहा जाता है, उस सहाबी को जिसने दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटियों के साथ शादी की थी, वो हजरत उस्मान था, उसका भी आपको पता होना चाहिए। स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली असद कैसर, ये गलत है, अभी कौन है, ये मेरे ख्याल में यही है, फिर भी आप कन्फर्म कर ले, करंट अफेयर्स में मसला हो सकता है। पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म फर्स्ट उमरा इन 7 हिजरी, 7 हिजरी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फर्स्ट हिजरी फर्स्ट जो है उम्रा किया था। उसके बाद पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ज्योग्राफिकल डिवीजन, पाकिस्तान को 5 ज्योग्राफिकल डिवीजन में तकसीम किया गया है। ये आपको पता होने चाहिए पाकिस्तान के बारे में। वर्सक डैम वॉज बिल्ट इन विच रिवर, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यह बार बार आता है। वर्सक डैम, तरबेला डैम और मलक्कन डैम, ये सारे डैम आपको पता होने चाहिए। बलूचिस्तान में कौन से डैम्स हैं, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अफसर बनने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान, कायदी आजम था, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाबू सार पास कनेक्ट गिलगित और फैसलाबाद को, हमारे गिलगित को और एबटाबाद को सॉरी कनेक्ट करता है बाबू सार पास। उसके बाद 90% ऑफ 90 क्या, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर किसी के टेस्ट में आता है, वो है 81, ठीक है। इसका आसान तरीका ये होता है, हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे, इस व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टेक्ट कर लें, इन दोनों को खत्म करना होता है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो भी आपका आंसर आ जाता है। उसके बाद व्हेन पाकिस्तान बिकम इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1956 को बना था, 23 मार्च, ठीक है। उसके बाद बीटीआई वाज फाउंड इन, अब लोग कहते हैं कि आर्मी का बीटीआई से दुश्मनी है, बकवास करते हैं, ठीक है। आर्मी में एक क्वेश्चन आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज ये सबसे पॉपुलर हमारा वो है पॉलिटिकल पार्टी, तो आप पाकिस्तान के शहरी आपको पता होने चाहिए। वो 1996 में 25 अप्रैल 1996 में वजूद में आया था। पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर, उसकी लेंथ क्या है, इसको कहा क्या जाता है, ये आप कमेंट में लिख दे। यूएन वाज मेड ऑन 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बना था, और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की थी, ये भी बहुत जरूरी है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फेडरल हेल्थ मिनिस्टर फैसल सुल्तान है, ठीक है, फिर भी आप इसे कंफर्म कर लिए, करंट अफेयर है। Who was found, WHO was found in 1948, 7 अप्रैल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था। ओल्डेस्ट नेम ऑफ मदीना, यसराब, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ओके। ओल्डेस्ट नेम ऑफ मक्का, वो क्या था, बक्का था, वो भी आपको पता होने चाहिए। खैबर पास जॉइंट पाकिस्तान विद काबुल, ओके, ये आपको पता होनी चाहिए, काबुल के साथ अफगानिस्तान के साथ ज्वाइन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वास प्रेसिडेंशियल था, ठीक है, 19 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान का हेड प्रेसिडेंट होता है, ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट उस टाइम था। पाकिस्तान सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, पहला तो कॉटन है, दूसरा क्या है, रास, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा किस चीज को वो करता है। ये क्लास 5-6 में मैंने कहीं पढ़ा था, कॉटन है, अभी चेंज भी हुए होंगे, फिर भी आप देख ले। ब्राजील लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग क्रॉप क्या है, दैट इज सोयाबीन, ब्राजील सबसे ज्यादा सोयाबीन को एक्सपोर्ट करता है। चोरा चोरी इंसिडेंट 1922 में हुआ था, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दे विल बी आस्क्ड देयर। 1999 वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, अभी रिसेंट वर्ल्ड कप हो रहा है, उसे कौन जीत रहा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन से उम्र में हजरत पाक वलीदा वफात पा गए, 6 साल में जो है वलीदा वफात, हजूर पाक की वलीदा वालिदा, ओके, हुजूर पाक की वालिदा, हुजूर पाक की माँ, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ उस वक्त वली थी जब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। उसके बाद करेंसी ऑफ क्यूबा क्या है, दैट इज क्यूबन पैसो है, ठीक है, आपको ये समझ आ जाएगा जब क्यूबन को देखेंगे, क्यूबन को इसके साथ रिलेट करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड। लार्जेस्ट लेक कौन सा है, कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, और एक और क्वेश्चन आता है कि मरियाना ट्रंच के बारे में, ठीक है, डीपेस्ट ओशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन हु सेलेक्ट प्रेसिडेंट, ये आप कमेंट में मुझे पुट कर दे। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट को कौन सेलेक्ट करेगा। उसके बाद सिलिका करेंसी क्या है, रुपी है, ठीक है, सिलिका का भी करेंसी रुपी है, फिर भी इसे कंफर्म कर ले। अल्बिना का कैपिटल तिराना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कैपिटल्स और करेंसीज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बल्गेरिया कैपिटल सोफिया, ये मोस्ट रिपीटेड है। नेशनल गेम ऑफ कनाडा क्या है, आइस हॉकी है। उसके बाद करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट नंबर 46 है, अभी दोबारा चेक कर ले,
ये 46 ही है, ठीक है 46 ही होगा। ट्रंप के बाद ये जो बाइडेन ही है, पाकिस्तान बिगेस्ट टावर कौन सा है? ये बहरिया आइकन टावर है, पहले क्या था कराची स्टॉक एक्सचेंज वो था, ठीक है ये इसमें कंफ्यूज ना हो, अभी नया ये है करेंसी ऑफ बोस्निया, वो है बोस्निया हर्ज़ेगोविना। ओके ये थोड़े मुश्किल है प्रिवेशन, आप खुद वो कर ले। कैपिटल ऑफ अल्जीरिया इज अलगायर, ये आपको पता होना चाहिए। शिमला कॉन्फ्रेंस डेट क्या था? Which was 1945, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग कौन था? ये आपको पता होनी चाहिए। He was सर आगा खान, ठीक है मुस्लिम लीग का जो फर्स्ट वो था वो सर आगा खान था। उसके बाद नेक्स्ट उसमें चलते हैं, नेक्स्ट उसमें देखें डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, मैंने आपसे कहा था लेक बैकाल, और डीपेस्ट पॉइंट जो है वो मरियाना ट्रंच है, वो भी आप याद करें। शाही किला इज लोकेटेड इन लाहौर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन है? आरिफ अलवी, आरिफ अलवी है, आपको पता होना चाहिए। OIC was established in, अब ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये काकड़ साहब है, ठीक है इसका भी आप याद करें। OIC was established in 1969, और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की थी वो मैंने पिछली मरतबा अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताया, वो आप देख ले, वो जरूरी है। टोटल मेंबर ऑफ EU यूरोपियन यूनियन है इसका 27 है, ठीक है। उसके बाद Who is the president of France? France की president कौन है? Macron, ये फिर भी आप confirm कर ले current affairs की। Which is the famous coffee production? Country is Brazil. Famous coffee production country is your Brazil. उसके बाद relation of Umm Kulsum with Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. She was daughter of our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाइफ्स के बारे में भी आ सकता है, ठीक है किसी का नाम लेके कि उसका इसके साथ क्या रिलेशन है। वर्ल्ड शॉर्टेस्ट रिवर नेम एंड लोकेशन, रॉय रिवर जो अमेरिका में है ये वर्ल्ड का सबसे शॉर्टेस्ट रिवर है। और सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन है ये भी पूछा जाता है, नील है या अमेज़न है, ये आप भी कमेंट में पुट कर लें। उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम इन 6 हिजरी, ये आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हु वाज द लीडर ऑफ कुफार इन ग़ज़वे बदर, अबू जहल था, ठीक है। और कुफार का लीडर ग़ज़वे उहुद में कौन था वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका, और अबू जहल माज़ और मौज के हाथों कत्ल हुआ था, ये भी आप याद करें, ठीक है ये जरूर पूछे जाते हैं। पाकिस्तान हाइएस्ट ग्लेशियर कौन है ये आप जो है कमेंट में पुट कर दे, पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्लेशियर कौन है? मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, बलतोरा ग्लेशियर और आपकी जो है सियाचिन ग्लेशियर, इनमें से कौन है कमेंट में पुट कर ले। अभी टोटल रिसेप्ट ऑफ निशान हैदर, कितने लोगों ने निशान हैदर लिए? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 11-10 निशान हैदर विनर है, एक हिलाल कश्मीर या निशान कश्मीर को, हिलाल कश्मीर है बिल्कुल वो, विच इज इवन नाइक सैफुल्लाह कुछ न्यूज ने ली थी, ठीक है। जाहिरी बात है बहुत अरसा हो गया, मैं भूल चुका हूँ उन चीज़ों को, अभी इस तरह तो याद नहीं रहेंगे, दिन सालों पहले कई याद की थी। हेडक्वार्टर ऑफ ह्यूमन राइट जिनेवा, ठीक है ह्यूमन राइट का हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर ऑफ नेटो, नेशनल एलायंस नेटो, ये बहुत ही जरूरी है, इसे आपने पूछा। ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है ये जो है इसकी नेटो का हेडक्वार्टर इसमें है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बार बार पूछा जाता है। वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अरब लीग, अहमद अब्दुल गैद, ठीक है ये अरब लीग का फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट था। साउथ एशिया एविएशन वाज फाउंडेड 1998, ठीक है 1998 में साउथ एशियन एविएशन बना था। पाकिस्तान प्लेस फर्स्ट टेस्ट मैच इन 1952, दिल्ली में पाकिस्तान ने मैच खेला था। लियाकत खान, लियाकत अली खान, इसको शहीद मिल्लत कहा जाता है, क्यों? इसकी रावलपिंडी में शहादत हुई थी और ये फर्स्ट जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर शहीद था।
योम तकबीर सेलिब्रेटेड ऑन 28 मई, 28 मई को हमने एटम बम बनाया था। अब्दुल कदीर खान अल्लाह उसको जन्नत दे। हु टेक केयर ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अल्लाह अलैहिम इन दी चाइल्डहुड, ठीक है, उसकी हजरत हलीमा, ये मोहम्मद सल्लम की दूसरी माँ है और इसने इसकी वो की थी, ओके, उसकी परवरिश की थी। हाउ डज तंजील मीन्स, तंजील का मतलब सेंडिंग डव है, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज ज़कात मीन, ज़कात का मतलब प्योरीफाई और टू क्लीन है, ठीक है, क्लीननेस। उसके बाद ईरान इज इन विच साइड ऑफ पाकिस्तान, ये डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक जो मेरे पास वो आए हुए नहीं पूछा जा सकता, लेकिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको पाकिस्तान का जियोग्राफी मैंने आपको बताया था, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हिजी री सेलिब्रेटेड स्टार्टेड एट विच एड ईयर, 622, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 622 को फर्स्ट हिजरी कहा जाता है, 623 को सेकंड हिजरी, इस तरह आपको पता होना चाहिए। करेंसी ऑफ इजिप्ट क्या है, दैट इज पाउंड, ये बहुत ही ज्यादा मशहूर है, पाउंड। फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फर्स्ट पीएम कौन था, लियाकत अली खान था, जो मैंने आपको बताया शहीद मिल्लत भी है और जो इसे रावलपिंडी में शहीद किया जाए। कोस्टलाइन ऑफ पाकिस्तान ये 1046 है, ठीक है, 1046 किलोमीटर है। नंबर ऑफ मदनी सूरा इन कुरान, देट इज 28। मक्की सूरा कितने थे, वो आप कमेंट कर लें। उसके बाद पीस बी अपॉन हिम सेंड हजरत माज एज ए गवर्नर ऑफ विच कंट्री, यमन में भेजा था हजरत माज को, ठीक है, एज ए गवर्नर। बद्र इज नेम ऑफ, बद्र का मतलब क्या है, बद्र का मतलब फुल मून है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद NFC अवार्ड इज फॉर व्हाट इन पाकिस्तान, नेशनल फाइनेंस कमीशन इसे कहा जाता है। उसके बाद व्हेन काजी आजम ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, काजी आजम ने इसे 1906 में ज्वाइन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑब्लिगेशन इन हज, हज में तीन ऑब्लिगेशन है, ठीक है। सो जेंटलमैन, यहाँ थोड़ी अनाउंस आपको कर दूं, फॉर पाकिस्तान बेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, यू विल गेट डिटेल एक्सप्लेन लेक्चर्स, ऑथेंटिक स्टडी नोट्स, 10 ईयर्स पास पेपर्स, क्विज टेस्ट, ग्रुप रिविजन, ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन टेस्ट, आपकी गारंटीड टेस्ट प्रिपरेशन तैयारी की जाएगी, और वो भी सिर्फ 999 फीस में, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे कम हमारा फीस है, एक बुक से भी कम फीस में आपको लेक्चर्स, नोट्स, पास्ट पेपर्स, रिवीजन, क्विज टेस्ट, ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक अथॉरिटी वो वीना में है, ठीक है। Which angel is known as रूहुल कुद्दूस, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल कुद्दूस कहा जाता है। How many permanent member of UN General Security Council, ये 5 permanent members है UN General Security Council के। उसके बाद when did British annexed Sindh, 1945 में ब्रिटिश ने सिंध को एनेक्स किया था। विच वियर इज शाहजहान मास, शाहजहान का मास तट्टा इंडिया में है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ताजमहल कहां पे है, ये भी पूछा जाता है। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज द मोस्ट पॉपुलेटेड, पाकिस्तान की ये कराची है आई थिंक, सो इसमें गलती हुई है, फिर भी आप सर्च कर लें, जो है कराची है या लाहौर है, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी पाकिस्तान का कौन सा है, मुझे कराची लग रहा है। विच इज खिंजार लेक, ये तट्टा सिंध में है, ठीक है, खिंजार लेक। उसके बाद इंडिया बिल्ड विच डैम ऑन इंडस रिवर इन जम्मू कश्मीर, डैम और बादशाह डैम का इंडिया ने कश्मीर में वो की, या पाकिस्तान ने की या इंडिया ने, ये भी आप वो कर लें। वर्सक डैम इज बिल्ड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री, कनाडा ने 1960 में वर्सक डैम को बनाया था पिशावर के कब्ल रिवर में, ठीक है। थर्ड सूरा ऑफ कुरान नेम आले इमरान है, थर्ड सूरा कुरान का जो है आले इमरान है। उसके बाद
हाउ मेनी हाफिज एब्रेस शहादा इन गज़वे यमामा, ये थोड़ी कन्फ्यूजन है, 70 है कई जगह, 700 है, फिर भी आप इसे देख ले। नमाज किस नबी में फर्ज हुई थी? 10 नबी में जो है नमाज वो फर्ज हुई थी, ठीक है, मेराज जाने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पार्लियामेंट ऑफ जापान नेम द नेशन डाइट कोकी, ये पूछा जाता है। पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका पूछा जाता है, ये आप याद कर ले। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट सिटी ऑफ बलूचिस्तान एरिया वाइज चागी है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए। सिमालस कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, सबको पता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डार्लिंग इज द नेम ऑफ विच रिवर, डार्लिंग इज द नेम ऑफ रिवर, ओके, डार्लिंग किस चीज का नाम है, यह रिवर का नाम है। लास्ट वर्स ऑफ होली कुरान इन विच सूरा, अल्लास सूरतुन नास, ठीक है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी यवसवसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद मुल्तान इज फेमस फॉर लैंड ऑफ सैंड, मुल्तान को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ सैंड, और इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ इसका मशहूर चीज़ वो अभी तक हमने हलवा ही लिया है, ठीक है, लैंड ऑफ प्रॉफिट फलस्तीन को कहा जाता है, ठीक है, फलस्तीन में ज़्यादा पैगंबर आए हुए होंगे इसलिए इसको लैंड ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। बुल्ले शाह द पोइट, मैंने कहा था पंजाबी, ये आता है, ज़रूर आता है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लार्जेस्ट लेक ऑफ जर्मनी, दैट इज लेक कॉन्स्टेंस, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वॉज डिवाइडेड आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ इंडिपेंडेंस, 24 साल, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान 24 साल के बाद जो है वो डिवाइड हुए थे, बांग्लादेश बना था, ठीक है। इसराइल वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर, 14 मई 1948 को इसराइल बना था। वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट लेक कैस्पियन सी ही है, ओके, उसके बाद ये दोबारा आ गया। सेकंड खलीफा ऑफ इस्लाम हजरत उमर है, फर्स्ट खलीफा कौन था आपको पता होना चाहिए, थर्ड कौन था ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, आप इस्लाम के पिलर्स आपको पता होने चाहिए, सलात है, नमाज, रोजा, जकात, हज, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हजरत हमजा वाज शहीद इन विच गजवा, कौन से गजवा में, हजरत उहुद में, किसी बेगैरत ने इसका कला चबाया था, ठीक है, कलेजा चबाया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अबू जहल वाज किल्ड इन गजवे बदर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वर माजूर किसी वो दूसरे मोहम्मद सल्लम के रिलेटिव थे, उन्होंने इसे शहीद वो जहन्नम वासिल किया था। जहांगीर खान इज द प्लेयर ऑफ स्क्वाश, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बार बार आता है। इजिप्ट करेंसी इज पाउंड, इजिप्ट की करेंसी जो है वो आपके पास पाउंड है। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, थर्ड लार्जेस्ट रिवर यंगत्ज़ी रिवर, ये चाइना एशिया का सबसे बड़ा रिवर ही आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड वर्ल्ड में आता है, वर्ल्ड वाइज ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, एशिया का सबसे बड़ा है, एंड दिस इज लोकेटेड इन चाइना, ये भी आपको पता होना चाहिए, बार बार पूछे जाते हैं। हाउ मेनी वंस मंथ्स इन ए ईयर ऑफ 31 डेज, 31 डेज वाले जो मंथ्स होते हैं वो साल में 7 होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। विच सूरा इज कॉल्ड मुअज्जतीन, फलक फलकनास को क्या कहा जाता है, मुअज्जतैन कहा जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। विच सी इज द बॉर्डर ऑफ तुर्की, ब्लैक सी जो है तुर्की का बॉर्डर है। उसके बाद विच प्रोविंस इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम, सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, क्यों, मोहम्मद बिन कासिम ने यहां से इस्लाम का आगाज पाकिस्तान में किया था। उसके बाद हु सेड दैट फ्रेंड इज नॉट मास्टर, ये अयूब खान ने कहा था, ठीक है, अयूब खान का बुक कुछ था है मेरे ख्याल में। और ये क्या है, 2+2/2 क्या होता है, 2+2/2, इसमें क्या बोर्डमास रूल आप इस्तेमाल करेंगे, 2+2/2, पहले आप डिवीजन करेंगे, डिवीजन करने से ये 1 आता है, 2+1=3 आपके पास आंसर है।
इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कॉमन सेंस के। विच इज द हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान, ये खुंजरा पास है ठीक है, जो हमारा गिलित में है, जो चाइना को कनेक्ट करता है बीजिंग के साथ, पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सूरह कुरान, सूरह कुरान, कुरान में 114 सूरह है, ये आप सबको पता होगा आई होप। उसके बाद इंटरनेशनल एविएशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर, ये मैंने आपसे कहा कि कनाडा में है, ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत दूसरी बार आया है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ये दोबारा आ गया आई थिंक सो। ओलंपिक वाज कैंसल्ड इन विच ईयर, कौन से साल में ओलंपिक नहीं हुए, 1914 में नहीं हुए, क्यों, इसमें वर्ल्ड वार हुआ था ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वार वन 1914 से 1918 में वर्ल्ड वार वन हुआ था कि वन वार टू हुआ था, ये आप कमेंट में पुट कर ले, और वर्ल्ड वार टू कब हुए थे वो भी। कोलंबिया कैपिटल बोगोता, बोगोता जो एक कोलंबिया का कैपिटल है। द गैस ऑन न्यूक्लियर सरफेस इज हाइड्रोजन, ये आपको पता होने चाहिए। फ्यूजन, फ्यूजन आप लोगों को पता होगा, मैं फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है फिर भी कहीं पढ़ा था, एच ई ठीक है, हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट, तुर्खाना डिजर्ट है ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजर्ट है। और पाकिस्तान का कौन सा है, थर है, वो भी आपको पता होना चाहिए ठीक, थल्ले या थर है। सरदारुल अंसार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है। कार्डिनल ऑफ इस्लाम किस कंट्री को कहा जाता है, सऊदी अरबिया को कार्डिनल ऑफ इस्लाम कहा जाता है, जैसे आपके पीएमए को जो है क्या कहा जाता है, कार्डिनल ऑफ लीडरशिप ठीक है, इस तरह आपको चीजें पता होने चाहिए। ईयर ऑफ ग्रीफ 10 नबवी को कहा जाता है। इन विच सूरह अल्लाह स्वेयर वन टाइम, अशम्स, अशम्स वो सूरह है जिसमें अल्लाह ताला ने एक दफा जो है कसम खाई है। डेट दत्तागंज बख्श दरबार लाहौर में ठीक है, दोबारा आ गया। उसके बाद फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जफरुल्ला खान था ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम हजरत बिलाल ठीक है, वो एक किस्सा भी आपको बताया कि हजरत बिलाल ने जब अजान नहीं दी तो सुबह नहीं हुआ था। फर्स्ट मुगल एम्पायर कौन था, जहीरुद्दीन बाबर था, ये आपको पता होना चाहिए। गवादर टू करंची कोस्टल हाईवे लेंथ क्या है, 653 किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बोट किस नबी ने पहले बनाई थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम सबको पता होगा, क्योंकि उस टाइम जो है तूफान आया था अल्लाह ताला की नफरमानी करने की वजह से। बाबर के अगेंस्ट फर्स्ट पानीपत वार कप 1556 में हुई थी मेरे ख्याल में, देख लेते हैं इसका आंसर। लोदी, लोदी ने बाबर के खिलाफ जंग लड़ी थी 1552 या 56 कुछ था, या फिर भी कन्फर्म कर लें। कायद आजम ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, 1913 को कायद आजम ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। और फातिमा जिना ने कब की थी, ये भी पूछा जाता है। फर्स्ट रिवोल्यूशन ऑन विच सूरह, सूरह अलग फर्स्ट रिवोल्यूशन है ठीक है, कुलाउदु बिरब्बिल, ये वो नहीं है, ये इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक ठीक है, ये सूरह सबसे पहले आया था। माउंट एवरेस्ट हाइट 8000, ये गलत है इसमें ठीक है, ये 8000 कुछ है, आप कमेंट में पुट कर ले, सबको पता होगा। और हमारे K2 का हाइट कितना है, जो अभी सियाचिन में है, वो भी आप पुट कर ले। अमेजोन रिवर लेंथ क्या है, 6400 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद तुर्की का पार्लियामेंट का नाम द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ तुर्की, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लैक सी के साथ कौन सा सी मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। मेडिटेरेनियन सी जो है ब्लैक सी के साथ मिलता है। उसके बाद ही वेंट टू रिवर बाइकार, ये प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये नोट्स में हमने सब कुछ दिए हुए हैं, आप अगर आप अवेल करना चाहते हैं यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। वेयर इज माउंट कीगो, खंजावा में माउंट कीगो है ठीक है, आपको पता होना चाहिए। विक्टोरिया लेक इज प्रेजेंट इन कैनेडा, विक्टोरिया लेक जो है वो कैनेडा में मौजूद है। वाइडली माउंट इज इन कैंटुकी, कैंटुकी कुछ है, ये आप फिर भी वो कर ले,
व्हाइट माउंट जो है केंटुकी में, ठीक है। फिफ्थ प्लेयर सोल्ड अर्थ इज एक्सोफियर थर्मस, ये केमिस्ट्री अगर किसी ने पढ़ी होगी उसको पता होगा। फिफ्थ प्लेयर विच सराउंड अर्थ इज एक्सोफियर थर्मस, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज एयर इज 78% और ऑक्सीजन की 28% थी और बाकी जो गैस है उनकी जो है वो है। काबू हिल्स इन विच कंट्री, तंजानिया में है, तंजानिया में, तंजानिया में काबू हिल्स है। अर्थ एरिया, टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान 7096096, ये गलत है, अभी ये 8 वो नए आप गूगल पे सर्च कर ले कि अर्थ की पाकिस्तान की लेंथ कितनी है। सी एरिया ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सी एरिया है, ठीक है, 25,220 किलोमीटर। एरिया ऑफ इस्लामाबाद 906 किलोमीटर, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका वो है कोंगो रिवर, 4700 किलोमीटर उसकी जो है लेंथ है। लेटेस्ट निशान हैदर विनर, सबसे लास्ट में हवलदार ललक जान ने 1 जुलाई 1999 को कारगिल जंग में लिया था, ये हमारे गिलगित से है, ठीक है। डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज एमेजोन रिवर, ठीक है, डीपेस्ट और लार्जेस्ट में फर्क होता है, वो आप जो है पढ़ लें। वीर इज लोकेटेड टंडा डैम, कहाँ पे है टंडा डैम, बलूचिस्तान में, मैंने आपसे कहा था ये डैम बलूचिस्तान के बारे में पूछे जाएंगे और ये आया भी है। व्हेन एस्टेब्लिश्ड पाकिस्तान पुलिस 1861 में ब्रिटिश से वो हुआ था। नेशनल असेंबली स्पीकर असद केसर, ये दोबारा आया। बिजिएस्ट सी पोर्ट इन द वर्ल्ड, बिजिएस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा बिजी कौन सा पोर्ट है, वो है शंघाई। वारिस शाह किस लैंग्वेज का शायर था, पंजाबी, ये बुल्ले शाह और वारिस शाह पूछे जाते हैं। कश्मीर का एक वो हिब्बा खातून कुछ नाम था, वो भी पूछा जाता है बार बार। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक जो है फाइन लैंड है, ठीक है, थाउजेंड लेक जो है फाइन लैंड में है या इस तरह कुछ होगा, लेक ऑफ थाउजेंड लेक से कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा लेक होंगे। हु सेलेक्ट चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। 1964 किस दिन हुई, वेडनेसडे को जो है 1965 वार हुई थी। नेटो एस्टेब्लिश्ड इन, नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे था वो आपको पता होना चाहिए, वो मैंने आपको बताया था, अप्रैल 4, 1949 में नेटो एस्टेब्लिश हुआ था। ओआईसी एस्टेब्लिश्ड इन 1969, ये मैं आपको बताया था, फिर भी बता देता हूँ, ये दोबारा आ चुका है, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। नेशनल जूस ऑफ पाकिस्तान, शुगर केन जूस हमारा नेशनल जूस है, ये बार बार आता है। अरब सिंध एम एन ए कब आया, 712 अरब सिंध में कब आया, ठीक है, 712 टू 885 AD में। स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम इन उहुद, इसमें 700 थे, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, 313 बदर में थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। हु वाज द लीडर इन गज़वे तबूक, गज़वे तबूक में पीस भी अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर था उस टाइम में। फर्स्ट मैन हु एम्ब्रेस शहादा, ही वाज नॉट शहादा, फर्स्ट मैन हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम, इस्लाम कहले किसने कबूल की थी, ये आपको पता होना चाहिए, हजरत अबू बकर ने की थी। और बच्चों में से सबसे पहले किसने की थी वो भी पूछा जाता है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर विच इज नील रिवर, ठीक है, लॉन्गेस्ट डीपेस्ट कौन सा है, अमेजोन, ये आपको पता होना चाहिए। दानूबी रिवर इच इज विच कॉन्टिनेंट, यूरोप में है दानूबी रिवर। नॉन पार्टी इलेक्शन किस गवर्नमेंट में हुआ, वो 1985 में हुआ। उसके बाद विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट पार्ट ऑफ यूएनओ, वो है, ये आप कमेंट में पुट कर लिए आप पे, ठीक है। जीरो और वन, वन वन में कितने डिजिट का डिफरेंस है, कमेंट कर दें। हु वाज द किंग ऑफ ईरानियन एट द टाइम ऑफ जंग कसी कदसिया, रुस्तम, ठीक है,
ये आपको पता होना चाहिए। Who met Congress and what was the reason? 1985 को बनाया था एलन ओक्टावेन ह्यूमी ने, ठीक है। मुस्लिम लीग ने योम निजात कब मनाया? मुस्लिम लीग में योम निजात 1939 को मनाया था, 22 दिसंबर 1933 को। Who got Nobel Prize? ईयर 2015 मलाला यूसुफ से होगा, नहीं एम सी डोनल्ड। रिसेंट किसने नोबेल प्राइज ली है वो भी आप पता कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुरानी पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ? 23 साल 5 मंथ और 14 डेज में कुरान पाक नाजिल हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। मेरा बिल्कुल गला थक चुका है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह आपकी कोई तैयारी नहीं कर सकता। आप 200 क्वेश्चंस को बता बता के घंटों के लेक्चर बना के मेरा गला बिल्कुल बैठ जाता है, दैट इज द रियलिटी। मेरी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। उसके बाद लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज योर पैसिफिक ओशन, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखें, यंगतजी रिवर इज प्रेजेंट इन विच कंट्री रीजन? यंगतजी रीजन में आपसे कहा था चाइना में है, पहले ही आपको बता चुका हूं। हु मेड पनामा कनाल एंड जॉइंट विद टू सीज? पनामा कैनाल कब बना था? 1909 टू 1914 में बना था। रावल डैम इज सिचुएटेड इन विच रिवर एंड व्हेन? रावल डैम जो है 1962 में बना था, भाई पंजाब गवर्नमेंट ने इसे बनाया था। ओके, फर्स्ट रेडियो स्टेशन ये कराची में फर्स्ट रेडियो स्टेशन 1947 को बना था, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लेंथ ऑफ नील इन माइल, नील रिवर का लेंथ जो है 4160 माइल है, ठीक है, किलोमीटर भी आपको पता होना चाहिए। ज़कात फर्ज ऑन हाउ मेनी कैमल? ज़कात 4 ऊंटों में फर्ज होता है, अगर आपके पास 4 ऊंट है तब आप पे ज़कात फर्ज होता है। सिक्स लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड कौन था? यांगताजी था। हॉन्ग ही रिवर जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, छठा सबसे लार्जेस्ट रिवर है। नरवाल इज द डिवीजन ऑफ विच सिटी? नरवाल जो है गुजरांवाला का डिवीजन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीएम ऑफ क्यूबा ऑफ विच सिटी? पीएम ऑफ क्यूबा ऑफ विच सिटी, ये फिदेल कैस्ट्रो, ये मुझे समझ नहीं आया, फिर भी आप देख। लुकमान वाज फेमस फॉर His हकीम, हिकमत की वजह से वो था, ठीक है, ये हकीम था मतलब मुआलिज, इसलिए हजरत लुकमान फेमस था। स्ट्रेट बिटवीन यूएस एंड रशिया, ये बेरिंग स्ट्रेट, ये आपको बताना चाहिए। और ये रशिया और यूएस एक दूसरे के थोड़े करीब है, ठीक है, आपको मैप ले लग रहा है बहुत दूर है, ये दूर नहीं है। मॉस्क ऑफ शाहजहान थट्टा में है, ठीक है, ये दोबारा आ गया। वापडा स्टैंड फॉर वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपको पता होना चाहिए, ये एब्रीविएशन बहुत पूछे जाते हैं, ये हमने नोट्स में मुकम्मल इंक्लूड किए हैं। हु एक्सेप्टेड इस्लाम इन चिल्ड्रन? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक्सेप्ट किया था। कैपिटल ऑफ भूटान, कैपिटल ऑफ भूटान का जो है वो थिम्पू है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली, प्राइम मिनिस्टर को नेशनल असेंबली में वोटिंग होती है, वो सिलेक्ट करते हैं। वाई वी सेंड टू अवर चिल्ड्रन टू स्कूल फॉर दियर ग्रूमिंग, ये मैं दोबारा आ गया, 90% ऑफ 1981 मैंने आप लोगों को प्रूव करके भी दिखाया। करेंसी ऑफ रशिया रबल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बार बार पूछा जाता है, अगर रशिया का करेंसी पता नहीं है तो आप दुनिया में नहीं है। फर्स्ट वुमेन इन पाकिस्तान एयरफोर्स, एशा फारूक जो है फर्स्ट वुमेन था जो एयरफोर्स को ज्वाइन की थी। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय जॉइंट नेशनल असेंबली, ठीक है, प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। व्हाई वी बॉयल मिल्क टू किल जर्म्स? जंग बदर किस हिजरी में हुआ था? 2 हिजरी में, दोबारा आ गया। रिलेशन ऑफ हजरत हमजा विद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अंकल था, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत हमजा। बादशाही मस्जिद इज सिचुएटेड इन लाहौर, ये मैंने आपको बताया। कोस्टलाइन ऑफ पाकिस्तान इज 1046 किलोमीटर, ये आपको बताने चाहिए। करेंसी ऑफ क्यूबा क्यूबन पेसो, ये आपको बताने चाहिए मैंने, ये दोबारा आ गया। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया क्या है? कमेंट में कर ले ताकि मैं देख सकूं कि मेरे वीडियो से कितना फायदा हो रहा है आपको। अब्दुल कदीर वाज वेल नोन प्लेयर ऑफ क्रिकेट, ठीक है, अब्दुल कदीर खान तो एटम बम बनाने में वो था।
इज़राइल नेम किसने रखा था? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इज़राइल नाम रखा था। नेक्स्ट वर्ल्ड कप विल बी इन इंडिया, नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, अभी इंडिया में हो रहा है ये उस पीएमएल कोर्स 152 के क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रिटेन्स इंटर इंडिया इन ब्रिटिश ने 1608 में जो है गोरों ने यहाँ आए थे और सारा हमारा सिस्टम बना के चले गए थे। कायद आजम शोन 14 एक्ट इन 1939 था, ठीक है, ये 1929 अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, जो अपनी 14 पॉइंट इन्होंने दी थी वो नेहरू के खिलाफ इन्होंने दी थी हमारा ग्रेट लीडर कायद आजम ने। इन इंग्लिश डिक्शनरी विच लेटर्स कम फर्स्ट, एकेडमिक, ये गलत है, इंग्लिश डिक्शनरी में कौन सा लेटर फर्स्ट आता है ये आप कमेंट में कर ले। सोलर सेल इन्वेंटेड बाय चार्ल्स, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सोलर का वो आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए। हु एकम्प्लिश्ड होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेशन टू मदीना, ये हजरत अबू बकर ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। कैपिटल ऑफ वेनेजुएला दैट इज कैराकास, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गज़वे उहुद वाज़ फाउंड इन 3 हिजरी, ये आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, ये आरिफ अलवी है, हमारा प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट सारे जो फोर्सेस है उनका हेड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम हेड क्वार्टर कहाँ पे है? वीना पे है, ये दोबारा आ गया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनीला पैक्ट अदर नेम साउथ ईस्ट एशिया कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी है, ठीक है। डॉल्फिन आर फाउंड इन विच रिवर ऑफ पाकिस्तान, ये इंडस में डॉल्फिन होते हैं हमारे, ठीक है। तंजील मीन्स सेंडिंग डाउन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हाउ मेनी निशान हैदर होल्डर, यार दोबारा आपको बता रहा हूं। बुक तफसीर तबरीज रिटन बाय मोहम्मद इब्ने जरीर अल तिबरी, इसने लिखा था, ठीक है। इंडस रिवर लेंथ क्या है? 2700 किलोमीटर, ये आपको बताओ 2900, ठीक है, सॉरी 2700 कह रहा हूं। उसके बाद अमेजोन रिवर लेंथ 6400 किलोमीटर, ही आपको बताना चाहिए। राजा गद इज रिटन बाय, ये आप जो है कमेंट में पुट कर ले। और कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं। हाउ मेनी रिवर्स इन पंजाब, पंजाब में कितने रिवर्स है, ये आपका टेस्ट है, कमेंट में पुट कर ले। असदुल्ला किसका लकब था, ये आप कमेंट में पुट कर ले। फाउंडर ऑफ एटम बम कौन है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। बोन्स इन ह्यूमन बॉडी कितने हैं, विटामिन सी इज आल्सो कॉल्ड, ये क्या है, इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में पुट कर ले। टोटल कितने क्वेश्चन हमने किए, 250, और 250 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि 200 ये एक घंटे बोल के मेरा गला थक जाता है, ठीक है। अगर आप अपनी गारंटी तैयारी करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टेक्ट कर ले, और वे भी मैंने आपसे कहा 19999 फीस में, पाकिस्तान की सबसे चीपेस्ट अफोर्डेबल फीस में आपकी तैयारी करवाएंगे, आपको लेक्चर्स नोट्स पास पेपर्स क्विज टेस्ट। मेरा मेहनत जो है आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, घंटे घंटों का लेक्चर आप लोग कौन बना देता है, ये सारे मार्केट में बिजनेसमैन और लुटेरे बैठे हुए हैं। और अगर आप इस 99 फीस को ज़्यादा समझ रहे हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि 20-25 लेक्चर सिर्फ वर्बल्स नॉन वर्बल्स के, उनके MBs खर्चे ही इससे पूरे होते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक, बी ए गुड सन, बी ए गुड ह्यूमन, लव योर कंट्री, लव योर आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान जिंदाबाद। फॉर फर्दर प्रिपरेशन यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच, आपको कामयाब करें। तकरीबन अभी तक मैं कहता हूं इन 5 सालों में हजारों स्टूडेंट्स ने मेरे इनिशियल पास किए, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द हाईएस्ट रिकमेंडेशन लाइसेंस भी आल्सो, अभी इसी कोर्स में ही पीएमएल कोर्स 152 में 8 बंदे हमारे रिकमेंड हुए, एक नेवी में हुआ है 9 सिर्फ 5-6 महीनों में। तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, हमारी मेहनत से आपको अंदाजा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।